एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज का वीडियो टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। एंड ये बहुत ही सिंपल एंड इजी मेकअप ट्यूटोरियल है। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है और प्रोडक्ट्स भी मैंने बहुत ही मिनिमल एंड नॉर्मल रखा है विद बजट एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। साथ ही कि मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करूँ। और ये बिल्कुल एक सिंपल सा मैंने कुर्ती डाल रखा है चिकनकारी का, एंड इसके साथ मैंने ये लुक किया है। हाँ, आप चाहे तो आप इसे सिंपल बिना बिंदी के भी कर सकते हैं। बिंदी के बिना भी ये लुक बहुत प्यारा लगता है। मेरे चैनल में पहले से है तो आप लोगों को ज़रूर एक चेंज नज़र आ रहा है कि मेरा जो हेयर है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज कि मैंने रिसेंटली हेयर कट लिया है। और इसके बाद मेरे हेयर जो है वो इतने लेंथ के, जो मुझे एक बहुत ही न्यू हेयर कट चाहिए था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लंबे हेयर कट रखी हुई थी। सो अभी इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक इंडियन लुक क्रिएट करूँ इस हेयर स्टाइल के साथ। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपके लंबे बाल हैं तभी आप इंडियन लुक क्रिएट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप ऐसे शॉर्ट हेयर में भी आप अपने इंडियन लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे है और बहुत इजी है, फन है, जरूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलाबा का प्राइमर और मैं अपने फेस को अच्छे से प्राइम कर लूँगी, स्पेशली जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स है। तो ये इससे जो है बेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इसके बाद मैं लूँगी फिटमे का फाउंडेशन इन द शेड 228 और ये मैं पूरे फेस पर लगा दूँगी और इसे मैं ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करूँगी। द ब्रश इज़ वेरी नाइस, इट्स 265 और ये जो ब्रश है ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। इससे जो फाउंडेशन है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं इसलिए मैं यहाँ पे नंबर पहले ही मेंशन कर दे रही हूँ। और ये ब्रश से अगर आपके पास ये ब्रश है तो आई थिंक आपको स्पंज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही फ्लॉलेस सा एक बेस ये बना देता है। तो इसके बाद मैं कलर करेक्टिंग करूँगी और यहाँ पे मैं डार्क कलर का कंसीलर ले रही हूँ और ये है फिटमी का इन द शेड कैफ़े 50। तो इससे मैं अच्छे से कलर करेक्ट कर लूँगी पहले जो भी डार्कनेस एरिया है, ताकि जो अगर आप कंसीलर लगाएंगे तो यहाँ पर फिर वो वाइट या ग्रेश नहीं लगेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी फिटमी का कंसीलर इन द शेड 25 और इसे मैं इस तरह से लगा लूँगी और इसके बाद मैं इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे जो आईज़ के पास जहाँ जहाँ है उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसे रब नहीं करूँगी बट धीरे धीरे पैट करते हुए करूँगी। मैंने वीडियो को इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में रखा है गाइज़, क्योंकि अगर मैं इसे स्लो में आपको दिखाऊँगी तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बस एक टेक्निक बता रही हूँ कि इस तरह से आप ये प्रोसेस एंड स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मुझे इसे सेट करना था, क्योंकि अगर हम इसे सेट नहीं करेंगे तो इसमें क्रीज एंड फाइन लाइन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पाउडर लेती हूँ मेबलिन फिटमी का और मैं इसे अच्छे से पहले सेट कर लूँगी एंड उसी सेटिंग पाउडर से मैं उसके बाद पूरे फेस को भी सेट कर लूँगी, ताकि जो भी हमने फाउंडेशन लगाया है क्रीम बेस्ड है तो वो प्रॉपरली जो है वो सेट हो जाए, वो मूव ना करे। एंड यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का जो है रोज़ टोनर लूँगी और अपने फेस को एज अ फेस जो मिस्ट की तरह से यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज का सेट करूंगी एंड यहाँ पे मैं एक स्पूली ब्रश से पहले उसे कॉम्ब कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने आई शेडो पैलेट से एक डार्क कलर ऑफ जो आई शेडो ली हूँ एंड मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। एंड गाइज, आईब्रोज जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, तो बहुत टाइम लेके आराम से अपने आईब्रोज को फिल कीजिए। इससे आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है एक आईब्रोज की वजह से। तो यहाँ पर जो भी आपका डार्क ब्राउन शेड होगा ना उसे आप एज एन आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों आई शेडो जो आईब्रोज को अच्छे से फिल कर रही हूँ एंड यहाँ पे आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं इसे वापस से स्पूली से एक बार कॉम्प करूँगी एंड देख लूँगी कि जो भी है नेचुरल शेप में लग रहा है कि नहीं। एंड देन जो भी स्पार्स हेयर जो होते हैं फ्रंट में उसे मैं फिलअप कर रही हूँ, ताकि जो है दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल सा लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे सेम आई शेडो पैलेट से जो भी जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है, इससे मैं एक आई शेडो का बेस यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जो है लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, आई मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। आप चाहे तो एक शेड के साथ भी अपने आई मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं, दो तीन शेड के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा शेड यूज़ करूँगी वो है स्विस ब्यूटी का मेटालिक आई शेडो। एंड गाइज, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ईजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बिगनर इसे यूज़ कर सकता है। और इसे लगाने के बाद मैं एक डार्कर शेड जो भी जिसको मैंने अभी आईब्रो यूज़ किया था उसको मैं एज अ कॉर्नर अपने आईब्रो पेंसिल्स के हेल्प से लगाऊंगी
एंड इसके बाद मैंने निक्स का जो है लाइनर यूज़ किया है। ये लाइनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्केच आई लाइनर है गाइज, जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि जब आप इस तरह का मेटालिक कलर यूज़ करते हैं ना, आप देखिएगा तब उसके ऊपर ना आई लाइनर्स चलते नहीं है, स्केच आई लाइनर्स, बट ये इतना कम्फर्टेबली चल रहा था। ये बहुत अच्छा जो है विंग आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज मैं कोई प्रोफेशनल, जैसे कि आपको पहली बताई थी, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लाइनर बनाने में प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी जैसे तैसे बना ली हूँ। इसके बाद मैंने लिया है लैस सेंसेशनल का मस्कारा मेबलिन से, एंड इससे मैं अपने जो है अच्छे से मस्कारा का कोटिंग कर दूंगी। एंड अभी फ़िलहाल मैं ऊपर के जो है आई लैशेस को कोट कर रही हूँ, उसके बाद मुझे नीचे की भी करने हैं, बट उसके पहले मैं अपने जो है पेंसिल ब्रश से मैं अपने जो लोअर जो आई एरिया है वहाँ पे मैं शेडो को अच्छे से लगाऊंगी, जो शेडो को मैंने एज अ आई शेडो बेस यूज़ किया है। एंड इसके बाद मैं जाके जो है लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, तो ये स्टेप बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो अगर आप आई शेडो लगा रहे हैं तो बिल्कुल अपने बिलो आई एरियाज पे भी शेडो क्रिएट कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट लूँगी और अपने पूरे फेस को जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ पे मैं कॉन्टोर करूँगी। एंड कॉन्टोर इज़ बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फेस है वो स्लिम और बहुत ही यू नो लाइक चीजल्ड लगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं सेटिंग पाउडर लेके जस्ट बिलो द कॉन्टोर मैं यहाँ पे ब्रश के हेल्प से क्लीन एक लुक ला रही हूँ, ताकि वो जो कॉन्टोर है वो बहुत शार्प लगे। इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूंगी और ये शिवाना पैलेट से है और काफ़ी अच्छा पैलेट है, अफोर्डेबल भी है और इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूंगी अपने फेस पे और यहाँ पे मैं मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इन द हाइएस्ट जो आपके एरिया होते हैं अराउंड द चीक बोन, नोज एरिया एंड देन इनर कॉर्नर ऑफ योर आइज, उसके बाद आईब्रोज के बिलो, तो ये सब एरियाज पे ना अगर आप हाइलाइटिंग यूज़ करते हैं तो वो बहुत नेचुरल से ग्लो क्या आता है। इसके बाद मैं मेबलिन का इंक मैट लिपस्टिक इन द शेड फाइटर यूज कर रही हूँ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है गाइज, ये डेफिनेटली ट्राई करने के लायक शेड है। एक बर्नट ऑरेंज शेड है बट परफेक्ट न्यूड शेड, मुझे लगता है ये हर इंडियन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा से सेटिंग पाउडर से पूरे एरिया को क्लीन कर दूँगी, ताकि जो भी फॉल आउट हुआ है या जो भी थोड़ा बहुत मेकअप प्रोडक्ट चला गया तो वापस से ठीक हो जाए। सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड लव यू ऑल गाइज़।